तो जब आप वोट करने जाते हैं तो जितने भी कैंडिडेट्स होते हैं उनके चुनाव चिन्ह के बाद लास्ट में एक बटन होता है NOTA, नोटा, यानी कि नन ऑफ द अबव, जिसका मतलब है कि आपको उपरोक्त कैंडिडेट्स में किसी पर भी भरोसा नहीं है और आप इनको सबको नापसंद करते हैं, नोटा पर अपना वोट दबाते हैं, नोटा को अपना वोट देते हैं। तो क्या ये नोटा को वोट देना वाकई कारगर है? कितनी पार्टिसिपेशन आपकी होती है वोटिंग में या डेमोक्रेसी बनाने में या फिर सरकार बनाने में जब आप नोटा को वोट करते हैं? तो नोटा को वोट करना किस तरह से मीनिंगफुल है या फिर किस तरह से नुकसानदेह हो सकता है, इसके बारे में बहुत सारे सवाल हैं। लेकिन सबसे पहले तो हम चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर से खुद जानते हैं कि नोटा क्या है और क्या हो अगर नोटा को बहुत सारे वोट्स पड़ जाए तो, यानी कि किसी भी कैंडिडेट से ज्यादा वोट्स पड़ जाए तो। पहले इनसे जान लेते हैं, उसके बाद एनालाइज करेंगे। नोटा की बात करेंगे सर। नोटा को इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में। नोटा बेसिकली कैन बी सेड एज अ वेस्टेज ऑफ वोट्स। इज इट अ ट्रू स्टेटमेंट या फिर नोटा की उतनी ऑथेंटिसिटी इंडिया में भी है जितनी की फॉरेन कंट्रीज में है? जेडे भी प्रोसीजर्स डेमोक्रेसी दे विच लाई जांदा है। आफ्टर सो मच ऑफ डिस्कशन, इनपुट्स फ्रॉम द एक्सपर्ट्स, इनपुट्स फ्रॉम द पीपल एट लार्ज, ये सारे अनु लेके नियम बनाया जांदा है। नोटा इज अ रिजल्ट ऑफ ऑल दिस थिंग है। जदों इस तरीके का गल हुई सी, सानू कोई भी कैंडिडेट पसंद नहीं है, असी की करें? उस बाद उस समय दे विच फिर समाज दे विच डिस्कशन चली सी, फिर ये फैसला हुई सी एक नन ऑफ द अबव ऑप्शन भी दिया जाएगा। अगर देखा जाए बैलेट पेपर दे विच एक कैंडिडेट वजो है, देर आर 16 नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं एक ईवीएम बैलेट यूनिट दे विच, 16 नंबर कैंडिडेट है ये नोटा नन ऑफ द अबव, मतलब एक कैंडिडेट वजो वो काम करता है। इतने भी लोग वोट करके उनादा या इजहार करते हैं, मैं तो किसी ने मैं पसंद नहीं करता। चलिए एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछती हूँ मैं, अगर क्या हो बाय द चांस की सबसे ज्यादा वोट ही नोटा को पड़े फिर? यस, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता जी। लेकिन साडा इलेक्शन है फर्स्ट पास्ट पोस्ट इलेक्शन है ये, जिन्ना भी कैंडिडेट्स हैं जो जीत गए हैं, जिन्ना दा फोटो है उन्हों का कैंडिडेट है, जो नोटा दा इससे कोई कैंडिडेट दा फोटो नहीं रहता है, उन्हों का नाम नहीं रहता है। सो देयरफॉर जेडे भी कैंडिडेट नु वोट ज्यादा होंगे एग्जिस्टिंग कैंडिडेट दे जीवित कैंडिडेट्स दे विच, उन्हों का जीत होंगी है। फिर क्वेश्चन तो वही रह गया ना सर कि जब मान लीजिए नोटा की फोटो नहीं है लेकिन वोट सबसे ज्यादा उसको पड़े हैं तो ऐसे में क्या लोग लोग लो अपना बात जरूर कहेंगे, जेडे भी इस तरीके का गलबात हो सकता है फ्यूचर दे विच है। अगर कोई नोटा में ज्यादा वोट पड़ गए लोग अपना गलबात करेंगे, यार साडे कंस्टिट्यूएंसी दे विच ज्यादा वोट आया हुआ है, लेकिन इस तरीके का गलबात आज तक हुई नहीं है, हो सकता है क्योंकि कोई भी ऐसे में क्या प्रावधान है दोबारा इलेक्शन करवाने का? फ्यूचरिस्टिक अपन नहीं कह सकते, नहीं इसमें इस तरीके का कोई प्रावधान नहीं है। जेडे भी एग्जिस्टिंग जीवित कैंडिडेट है जिसका फोटो है जिसका नाम है उसने उदे विच ही गिनती है, बट ये ऑप्शन दिया जा रहा है लोग का नो ये कैंडिडेट सानू पसंद नहीं है, सिर्फ ये बताने का, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट तो है सर, लेकिन उसके बाद फिर लोग पता चल जाता है ना, ये जिन्ना भी वोट आ गया हर एक बंदा नो अपने पता ही चल जाता है, इतना बड़ा ऑप्शन लोगों को दिया जाता है, लोग पावरफुल है ऑप्शन का सर आगे फायदा में, इसीलिए फायदा बहुत होता है क्योंकि इस तरीके का सिस्टम आन तो पता चलेगा उसका रिजल्ट क्यों होता है, ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता है रिजल्ट आ गया उनका असर नहीं होता, रिजल्ट आन दो। तभी मैंने कहा कि हाइपोथेटिकल, नो प्रॉब्लम, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज नोटा इज अ पार्ट ऑफ आवर डेमोक्रेसी, इफ वी हैव अ राइट टू वोट वी हैव अ राइट टू डिसलाइक समबडी, हम लोग को नहीं पसंद है तो हम लोग नोटा पे दबाते हैं, सो देयर इज नो बिग डील। लेकिन क्वेश्चन फिर भी स्टिल वही है कि सर अगर ज्यादा नोटा को ज्यादा वोट्स पड़े तो फिर आगे क्या होगा? क्या होगा? वो इवॉल्व होगा, इवॉल्व होगा, एवोल्यूशन होता है। ओके ठीक है, बात की जाएगी, इवॉल्व होगा, इश्यू इवॉल्व होता है, डेमोक्रेसी वही एवोल्यूशन है, लोगों का जो मत होगा उसी के हक में बात रखी जाएगी। तो सुना आपने सीईओ डॉक्टर करुणा राजू ने क्या कहा कि अगर आप नोटा को वोट डालते हैं तो वोट काउंट जरूर होता है लेकिन वो व्यर्थ जाता है, सिर्फ इसलिए कि नोटा कोई जीवित आदमी नहीं है, नोटा की कोई तस्वीर नहीं है, कोई पता नहीं है,
कोई वियर अबाउट्स नहीं। अगर नोटा कोई जीवित आदमी होता तो डेफिनेटली उसको सरकार में आने का हक दिया जाता, लेकिन यहाँ पर आप वोट तो दे सकते हैं नोटा को लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है। हालांकि बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जहां पर और नोटा को इंट्रोड्यूस किया गया है। ग्रीस, यूक्रेन, स्पेन, कोलंबिया और रशिया समेत कई और देशों में नोटा का प्रावधान है, नोटा का ऑप्शन है, लेकिन इनमें नोटा फंक्शन कैसे करता है वो भारत से बिल्कुल अलग है। तो अब सवाल ये उठता है कि नोटा इंट्रोड्यूस क्यों किया गया अगर इसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो नोटा इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया कि अगर आपको कोई भी कैंडिडेट पसंद नहीं है, मसलन जब पहले इलेक्शन हुआ करते थे नोटा से पहले, जब किसी को कोई भी कैंडिडेट नहीं पसंद होता था तो वो वोटिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं करते थे। और ये इलेक्शन कमिश्नर की ड्यूटी है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की वोटिंग में भागीदारी हो, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों की वोटिंग में भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए नोटा इंट्रोड्यूस करवाया गया, ताकि अगर आपको कोई कैंडिडेट नापसंद भी है तो भी आप घर पे मत बैठे रहिए, आप बाहर आइए, बेशक नोटा पे आप अपना वोट दबाइए, वोट दीजिए नोटा को, लेकिन आप घर से बाहर निकलकर वोटिंग में पार्टिसिपेट जरूर करिए। कई कॉन्स्टिट्यूएंसीज में ऐसा भी हुआ है कि नोटा को कैंडिडेट से ज्यादा वोट्स मिले हैं। मसलन 2017 के इलेक्शन की अगर हम बात करें तो थोड़े स्टैट्स मैंने निकाले हैं, आपको बताती हूँ। उत्तर प्रदेश में 2017 में 49 प्रत्याशियों को नोटा से भी कम वोट्स मिले हैं, यानी कि 49 प्रत्याशी ऐसे थे जिनको नोटा से भी कम वोट्स मिले थे। तो 49 प्रत्याशियों को नोटा से भी कम वोट मिले थे 2017 के उत्तर प्रदेश चुनाव में, बात कर रहे हैं अलीगढ़ कॉन्स्टिट्यूएंसी की। और अगर 2017 के उत्तर प्रदेश के चुनाव के रिजल्ट्स की अगर हम लोग बात करें तो नोटा को लगभग 7.5 लाख वोट्स पड़े थे। ऐसे ही पंजाब की अगर बात करते हैं तो पंजाब में भी नोटा का अच्छा खासा शेयर था 2017 के चुनाव में, जहां की पंजाब के कुल वोटर्स तब लगभग 2 करोड़ थे, जिसमें से 1,08,471 वोट्स नोटा को पड़े थे। वैसे उत्तर प्रदेश में मैं आपको बता दूं कि उस टाइम पे 2017 में लगभग 14 करोड़ वोटर्स थे, जबकि 14 करोड़ वोटर्स में से 7.5 लाख वोट्स नोटा को पड़े थे और कई कैंडिडेट्स नोटा से हार भी गए। तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से नोटा की क्या भूमिका होनी चाहिए कि आप अपना दायित्व निभाते हैं, आप जाते हैं, अगर आपको कोई कैंडिडेट पसंद नहीं है तो आप नोटा पे अपना वोट देते हैं, नोटा का बटन दबाते हैं, लेकिन वो वोट्स क्या सच में वेस्ट हो जाते हैं? क्या कुछ ऐसा प्रावधान होना चाहिए जिससे अगर कैंडिडेट से ज्यादा वोट्स नोटा को पड़े तो उसमें कुछ एवोल्यूशन होना चाहिए, या किस तरह का एवोल्यूशन होना चाहिए? आप एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन है, आपका वोट बहुत मैटर करता है और आपकी ओपिनियन भी उतनी ही मैटर करती है। तो नोटा को लेकर आप क्या सोचते हैं, किस तरह के चेंजेस नोटा को लेकर आने चाहिए, कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें एंड डू सब्सक्राइब टू इन्फोगर्दी। और इन्फॉर्मेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें इन्फोगर्दी।